देखिए पॉलिनोमियल में है, सरकार भी कह रही है आप लोग पढ़ो नहीं ज़्यादा, नहीं तो खाली ज़्यादा अच्छे पढ़ लिख के बन जाओगे तो फिर हम सरकार कैसे चलाएंगे। इफ द स्क्वायर्स ऑफ द डिफरेंसेस ऑफ द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अपर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 45 इज इक्वल टू 144 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। इफ द स्क्वायर्स ऑफ द डिफरेंसेस ऑफ द जीरोस है, याद रखिए पहले हमेशा लैंग्वेजेस आपकी समझ में बिल्कुल क्लियर आ जाना चाहिए। सॉल्यूशन द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स और प्लस 45 इज कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और ये आपका देखो ये आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी ये होना चाहिए। इससे क्या होगा वह आप कलेक्ट कर सकते हैं, आपका देखो ना एक्स स्क्वायर तो देखो आपका ए इज इक्वल टू आपका वन, एक्स एक्स को कलेक्ट करिए बी इज इक्वल टू ए और कॉन्स्टेंट आपका देखो सी इज इक्वल टू 45। अब आपका नाम देखो दिस इज फर्स्ट सम ऑफ जीरो, अब इसमें आपका देखो हाफ टू जीरो अल्फा एंड बीटा ये भी लिख दीजिए तो आपका देखो तो सम ऑफ जीरो का मतलब अल्फा प्लस बीटा इसे बड़े देखो माइनस बी बाई ए इधर से नाउ ए ओवर आपका देखो बी की वैल्यू आपका देखो अल्फा प्लस बीटा इसे बड़े देखो माइनस ए। दूसरा नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरो प्रोडक्ट अल्फा बीटा इसे बड़ा देखो सी बाई ए अल्फा बीटा इसे बड़ा सी का मतलब देखो 45 ओवर ए तो देखो अल्फा बीटा इसे बड़ा अब जरा स्टेटमेंट देखो इफ द स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंस ऑफ द जीरो देखो कंडीशन या स्टेटमेंट देखो इफ द स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंसेस ऑफ जीरो जीरो इज इक्वल टू 144 यानी अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 144 अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 4 अल्फा ये फॉर्मूला होता है। In place of this alpha minus beta ka whole square, you will put this alpha plus beta ka whole square minus 4 alpha beta and that is equivalent to 1. Ye formula aapka hai. Now, alpha plus beta ka matlab aapka dekho minus a ka square. Yahan pe dekhiye. From equation number 1 and equation number 2, ye aapka ye value. Alpha plus beta minus or minus 4 into alpha beta ki value. 45 इज 145 इफ एनी नेगेटिव नंबर हैज इवन पावर आंसर इज आपका देखो ऑलवेज फॉलो ये एक्नॉलेजमेंट आपकी होनी चाहिए आपका ए माइनस कितना हो गया जी 180 देखो आप लोग ज्यादा अच्छा जानते हैं मेरे मुझसे ज्यादा आपकी मैथ अच्छी होगी ना ओटी में माइनस 180 आपका देखो उधर मूव करेगा तो ना दिस ए स्क्वायर इज इक्वल 324 तो नहीं आता सुना इफ यू आर रिमूविंग द स्क्वायर फ्रॉम वन हैंड द अनदर हैंड विल कम इनसाइड द रेडिकल साइन दैट इज अ स्क्वायर रूल ये हमेशा मैथ का रूल है आप क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल पढ़ो ना पढ़ो
क्योंकि जब आप सपोज के लिए अगर ये यहाँ पे देखो यहाँ पे आता फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखो अगर मैं इसी को चेंज करके देता हूँ देखो तो नाउ ए इज इक्वल टू आपका देखो प्लस माइनस 18, ये आपका वैल्यू। अब सपोज के लिए यहाँ पे अगर ये फाइंड द वैल्यू ऑफ ए नहीं होता आपका यहाँ पे होता देखो नाउ द वैल्यू ऑफ ए इज ओमर सीट में आपका नाम आपको इसमें दिया दे रहा प्लस 18, देखो दूसरा माइनस 18, तीसरा आपका ऑप्शन आप जो देख रहे हैं आपका नाम एमसीक्यू जो आते प्लस माइनस देखो 18 और फोर्थ आपका था नन ऑफ दिस। तो देखो ये यहाँ पे ए इज इक्वल टू प्लस माइनस, तो देखो थर्ड ऑप्शन अब यहाँ पे सर्किल बने हुए आते ये आपका देखो कॉम्पिटिशन में आपका ये आपका जैसे थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल ए ये सही है, आपने इसको फिल कर दिया सर्किल से, तो दिस इज द बेस्ट चॉइस। तो ऐसा ना हो कि आपने खाली प्लस 18 या माइनस 18 लिखा, व्हेनेवर यू आर द रिमूविंग फ्रॉम वन हैंड द अनदर हैंड विल कम इनसाइड द रेडिकल साइन दैट इज द स्क्वायर रूट, बट बिफोर दैट यू हैव टू पुट प्लस और माइनस। इसका मतलब प्लस 18 का भी स्क्वायर जब आप करेंगे दैट विल बी 324 और माइनस 18 का जब आप स्क्वायर करेंगे दैट विल बी आल्सो 324। इज इट क्लियर? फटाफट छेती छेती करो जरा इसको। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, देखो पीएस है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, पी एस इज इक्वल टू पॉलीनोमियल इन एस है, कैसे होता है इक्वेशन आपका एस में दी होगी 3s² माइनस 6s और प्लस आपका 4। सही क्वेश्चन बिल्कुल यही है, पहले मैं चेक कर लूंगा ठीक हो गया, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब आपका नाम देखो दिस हैज टू जीरोस, टू जीरो आपका अल्फा एंड बीटा आपका हो गया इस कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, बिना इसके आप एक इंच भी आगे नहीं बढ़िएगा एंड दैट इज आपका देखो ए एस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी आपका देखो एस में है तो एस ही लिखोगे आपका नाम याद रखेगा, तो नाम देखो वह एस स्क्वायर एस स्क्वायर को ए की वैल्यू देखो आपका ए इज इक्वल टू 3, एस एस आपका देखो ना बी इज इक्वल टू -6 और सी इज इक्वल आपका देखो ना 4, ये हो गया। अब आपका देखो इससे आप क्या करेंगे, अब आपका ना सम ऑफ जीरोस आप निकाल दीजिए, सम ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस बी बाई ए, तो माइनस एंड द वैल्यू ऑफ बी इज -6 ओवर आपका थ्री, माइनस माइनस का प्लस तो आपका देखो ना प्लस का थ्री, तो नाउ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आपका देखो थ्री। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा इज इक्वल टू आपका देखो सी बाय ए, तो सी इज व्हाट दैट इज 4 बाय 3, अल्फा बीटा इज इक्वल टू आपका देखो 4। अब आइए फाइंड द वैल्यू ऑफ वेब कर दो, फाइंड द वैल्यू तो देखिए थर्ड फेज में अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा, ये देखो आपका नाम प्लस 2 × 1 प्लस 1 upon अल्फा प्लस 1 upon बीटा और आपका देखो प्लस 3 अल्फा बीटा। मैंने कहा था जब तक ट्रांजेक्शन करना आपको नहीं आएगा आप कुछ नहीं कर सकते, देखो इनका अल्फा बीटा एलसीएम ले लीजिए, देखो ए बीटा से बीटा कैंसिल, जब डिफरेंट डिनोमीटर्स होते हैं इतना याद रखिएगा, जब डिफरेंट डिनोमीटर्स होते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की तरह जाते हैं, बीटा वन जा बीटा सो अल्फा इज आपका ना होता रेस्ट वन अल्फा अल्फा जा यानी कि अल्फा अल्फा जा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा से अल्फा कैंसिल, तो देखो बीटा बीटा जा बीटा स्क्वायर प्लस दिस इज 2 प्लस 2 अल्फा बीटा आपका अल्फा से अल्फा है बीटा वन जा बीटा और ना दो आपका प्लस
अब यहां पे दो चीजें, या तो आप नाम देखो, आप एलसीएम ले लीजिएगा, अल्फा बीटा आपका देखो नाम एलसीएम ले लीजिएगा सभी में, ये देखिए, या इन दोनों में रखो, इसको अभी छोड़ दीजिए। आपके पास दो चीजें, या तो आप इन दोनों का खाली एलसीएम लीजिए, इन दोनों का एलसीएम लिया तो देखो अल्फा बीटा इधर दीदी इधर प्लीज, यहां जब आए हैं ना तो थोड़ा सा मशक्कत कर लीजिएगा, अल्फा बीटा बन जाए, अल्फा बीटा वन से देखो आपका नाम प्लस, अल्फा बीटा बन जाए तो आपका देखो टू, ये आपका अल्फा प्लस बीटा, इसको ऑर्डर में लिख दीजिएगा और प्लस तैयार। यहां भी ले सकते थे, यहां लेते तो आपका क्या हो जाता, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर थ्री अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो जाता, लेकिन मैंने नहीं रखा। अब देखिए, मैंने आपको कहा था बार बार से, मैं समझाते आ रहा हूं इतने दिनों से, देखो ट्रांजेक्शन करना सीख, क्योंकि तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल अल्फा स्क्वायर प्लस टू अल्फा बीटा और प्लस बीटा स्क्वायर होता है। तो देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा इज इक्वल अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। कहाँ लिखा जी, कहाँ लिखा सेम, ये अरे दीदी ये टू अल्फा बीटा उधर जाएगा तो माइनस में ओटी में जाएगा नहीं, ये तो अपनी पोजीशन पे ही है, तो कहाँ दो बार लिखा, आप खुद ही देखिए, दिस टू अल्फा बीटा इज मूविंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, सो फॉर्मली इट हैड योर अपर नाउ, इसका साइन था प्लस का, उधर जाएगा माइनस का, ये एरो देखो, ये एरो कैसे लगाए देखो, ये यानी कि अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू ये रख दीजिए, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं, तो आपको तो आपको पता ही नहीं कि क्या होता है इसका वैल्यू, आप यहाँ पे इसके देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा और प्लस ये टू इंटू अल्फा प्लस बीटा ओवर, ये देखिए आपका अल्फा बीटा एन प्लस थ्री अल्फा बीटा। अब देखिए ये अब आपका देखो, इसको मैं थ्री बना, तो नाउ देखो सब्स्टिट्यूट, या नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा एन अल्फा बीटा, देखो आपका फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन एन इक्वेशन नंबर टू इन इक्वेशन नंबर थ्री, यहां अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देखिए आपका टू का स्क्वायर माइनस टू इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू देखो आपका फोर बाई थ्री प्लस टू इंटू अल्फा बीटा टू ओवर अल्फा बीटा फोर बाई थ्री और प्लस थ्री इंटू फोर बाई आपका देखो प्लस थ्री अल्फा बीटा की वैल्यू टू का फोर माइनस एट बाई थ्री और प्लस फोर बाय फोर बाई थ्री और प्लस इधर यहां 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 ध्यान दोगे तभी होगा, देखो थ्री इसको बीट करेगा, थ्री फोर जा देखो ट्वेल्व माइनस एट और थ्री फोर जा देखो ट्वेल्व एंड ये आपका देखो ऐसे आ जाएगा, ये देखिए दिस इज नोन एज एलसीएम और ओवर आपका देखो ये फोर बाई थ्री और ठीक है बीच में फोर आए 12 प्लस 12 इज दिस इज 24 एन माइनस 8 बाई 3 ये देखो एंड दिस इज 4 बाई 3 इज सेवन और प्लस 4 ये बीच में आएगा देखो नाउ ए बाई बी इज सेपरेट बाई सी बाई डी ए रेशियो बी प्रोपोर्शनल आपका देखो सी रेशियो डी दैट इज आवर ए डी बाई बी सी। एक जमाना था जब नाइन्थ में बच्चा ए रेशियो बी प्रोपोर्शनल टू सी रेशियो डी पढ़ता था, देखो आपका नाम ये आज खत्म कर दिया उसको, 24 में से 8 गया कितना हुआ 60 बाय 3 इंटू ये 3 बाय 4 और प्लस ए 4 3 डी सी 3 से 3 कर ला ये 4 जब तो ना देखो 4 प्लस 4 ये जो वैल्यू किसकी आई है ये वैल्यू आई है देखो अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा प्लस टू इंटू वन ओवर वन टू इंटू वन अपॉन अल्फा वन अपॉन बीटा प्लस थ्री अल्फा बीटा ऐसे बोला। अब टेंथ का बच्चा अगर टेक्निकली इतना दिमाग नहीं लगा सकता है तो फिर मेरे हिसाब से बोर्ड देने की जरूरत भी नहीं है उसको, जो मैं अपने हिसाब से सोच रहा हूं, जिन्होंने बोर्ड दिया उनको पूछिए ना कैसी मेहनत करनी पड़ती है। अब आप ये देख लीजिए
इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, आपका देखो ना, इज रेसिप्रोकल टू द अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपका देखो सबसे पहले द पॉलिनोमियल सॉल्यूशन, आपका देखो सॉल्यूशन नंबर थ्री है द पॉलिनोमियल, जरा वहां देखेगा ए स्क्वायर प्लस नाइन ए स्क्वायर प्लस नाइन इंटू देखो एक्स स्क्वायर प्लस नाउ 13x और प्लस 6a है साइन हैज टू जीरोस नहीं इस कंपेयर्ड विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये देखो आपका हैज टू जीरोस अल्फा एंड वन अपॉन अल्फा, ये देखो आपका नाम, ये बोथ जीरोस आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर है, ये देखो रेसिप्रोकल टू ईच अदर, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप देखो इसका मतलब एक तो अल्फा है, अल्फा इज इक्वल टू अल्फा ही है, लेकिन यहां पर बीटा इज इक्वल टू वन अपॉन अल्फा है, इसका मतलब आपका क्या हो गया, क्लियर कर दूं, अल्फा एंड वन अपॉन अल्फा हो गया आपका नाम, देखो दोस्त इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, इससे ज्यादा एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता, एक्स स्क्वायर को कंपेयर करेगा ए इज इक्वल टू आपका देखो दिस इज ए स्क्वायर प्लस वन, व्हेन यू आर गोइंग टू कंपेयर दिस आपका नाम, बिना कंपेरिजन के बिल्कुल भी मत जाइएगा, स्कूल में लिखा था या नहीं लिखा था, आप ए बी सी की वैल्यू बिना कंपैरिजन के आप नहीं लिख सकते, देखो एक्स एक्स को कंपेयर करेगा देन द वैल्यू इज बी इज इक्वल टू 13 एंड सी इज इक्वल टू देखो 6 ए ए, यहां पे इंपॉर्टेंस आपकी जो एक्स वाई की होती है, ये तो कांस्टेंट की तरह काम करते हैं, देखो स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, इज इट क्लियर ना, अब सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा प्लस वन अपॉन अल्फा, इससे करो माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस 13 ओवर ए स्क्वायर प्लस वन, चेक कर लीजिएगा ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आप इसको क्या कर सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस वन अपॉन अल्फा इससे करो माइनस 13 ओवर ए स्क्वायर प्लस नाइन, अगर इसकी रिक्वायरमेंट हुई तो ठीक है, नहीं तो अपने आप ही रहता है, फर्स्ट देन इज द सेकेंड, आपका देखो ना प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये चैप्टर इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद जब आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप कभी भी पढ़ेंगे बिफोर हाफ ईयरली या आपका आफ्टर हाफ ईयरली, वहां जीरोस की जगह में यू हैव टू ओनली राइट द रूट्स, रूट्स लिखना आपने, तो इसलिए अल्फा इंटू वन अपॉन एल्फा, ये देखो प्रोडक्ट इज इक्वल आपका सी बाई ए, ये खल्लास तो वन इज इक्वल सिक्स ए ओवर दिस द ए स्क्वायर प्लस नाइन, ये देखो ऊपर गया ए स्क्वायर प्लस नाइन इज इक्वल टू आपका सिक्स, जी कुछ कहना चाहेंगे आप, जी पहले तो आपका ये बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया, दैट्स जी किसी ने बोला जी, ये कहाँ कह रहे हैं, हाँ ये ए स्क्वायर प्लस नाइन वन जा कहाँ, क्यों नहीं है सर, ए है ये आपका ए स्क्वायर प्लस नाइन 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 क्यों नहीं है, ऐसे कैसे गलत बताऊंगा सर मैं, आप इक्वल टू जीरो, हाँ बिल्कुल आपका कंफ्यूजन बिल्कुल सर आंखों पे, ये देखिए ये यहां पे अब आपका ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी होगा और ये आईडी भी लगेगी, आईडी एंड मिडिल टर्म स्प्लिटिंग दोनों ही आपका काम करने लग जाएंगे, ये अब आप देखो आईडी रिक्वायर्ड ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर इस बार देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो देखो नाउ राइटिंग अकॉर्डिंग टू आईडी इसको देखो ए का स्क्वायर
पहले हमेशा बी का स्क्वायर लिखा जाता है यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 2 देखो फॉर्मूले में होता है द वैल्यू ऑफ ए इज ए अगर 3 टू 6 हो गया कैसे करो सही वेयर ए इज इक्वल टू आपका देखो ना ए इज इक्वल टू आपका ए था लेकिन बी इज इक्वल आपका देखो यहाँ पे 3 था अभी इसको जिप कर दीजिएगा पावर फॉर्म में बदल दीजिएगा ए माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 तो इसका मतलब अब आपका देखो यहाँ पे उसने खाली ए की वैल्यू पूछी है तो आप अगर सर्टेनिटी खाली ए की वैल्यू भी लिखेंगे तो अभी आपका काम चल जाएगा वैसे मेरे हिसाब से नहीं चलना चाहिए काम क्योंकि आप पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं तो हो सकता है अब जैसे आपका देखो ए माइनस 3 ये देखो ए माइनस 3 इज इक्वल 0 का रूट प्लस माइनस स्क्वायर हट आपका तो देखो ए माइनस 3 इज इक्वल ये 0 ही रहा तो कायदे से ए इज इक्वल आपका 3 ये आपके आंसर आ गए लेकिन अगर आप जैसे आपके दिल में ये शंका समाधान आपका देखो ए माइनस 3 का होल स्क्वायर इस वर्ड अगर आप 0 करते हैं और इफ यू आर राइटिंग आपका ए माइनस 3 इंटू देखो ए माइनस 3 इक्वल टू 0 एक बार देखो ना ए इफ ए माइनस 3 इज इक्वल टू 0 तो नाउ देखो ए इज इक्वल टू 3 और आपका देखो ना इफ दूसरा ए माइनस 3 इज इक्वल टू 0 तो नाउ देखो ए इज इक्वल टू 3 तो आपका स्क्वायर है तो आपका इसलिए ए इज इक्वल टू 3 और 3 कैसे ये होना चाहिए और अब देखो अब आप छोड़िए ये तो जो भी है अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से देखिए आपका ए स्क्वायर माइनस 6 ए और प्लस 9 देखिए 9 1 जा 9 1 9 जा 9 आपका देखो उसके बाद 9 को फैक्टराइज करिए 3 3 जा 9 तो देखो फैक्टर्स आपके आगे 3 एंड 3 आगे नाउ इन फैक्टर को आप एडजस्ट करिए एडजस्ट तो आपका देखो एडजस्ट किया तो माइनस का 3 और माइनस का 3 जब ऐड होंगे या सेपरेट होंगे माइनस का 6 आएगा ये देखो बीच वाला माइनस का 6 और इफ माइनस 3 एंड माइनस 3 मल्टीप्लाई होंगे प्लस का 9 ठीक है सर तो देखो इसलिए मिलिट एम टी एस यहाँ पे लिख दोगे आपका देखो ए स्क्वायर माइनस 3 है माइनस 3 है और प्लस 9 जी फॉर ग्रुप सी फॉर कम अगर फर्स्ट बाइनोमियल इज कमिंग नेगेटिव सेकंड आपका माइनस लेने के बाद इट विल बी आल्सो नेगेटिव क्योंकि माइनस प्लस का माइनस 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 का प्लस हो गया और आपका तो इक्वल टू 0 था इक्वल टू 0 था ये बता रहा आपका देखो ना इक्वल टू 0 था तो देखो ए माइनस 3 और आपका देखो ए माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एक बार आप इसको देखो ऐसे लिख दीजिए एक बार तो देखो ए इज इक्वल टू 3 एंड 3 क्योंकि जब इस क्वेश्चन को आप वहां करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जब आप करेंगे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वहां आएगा हैज इट्स रिपीटेड रूट हैज इट्स रिपीटेड रूट यानी कि एक्स की वैल्यू जो अल्फा आती है वो माइनस बी बाई टू ए होता है और एक्स की जो दूसरी वैल्यू होगी बीटा वो भी आपका माइनस बी बाई टू ए यानी कि जब आप डी इज इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac दिस इज कॉल्ड द श्रीधराचार्य मेथड श्रीधराचार्य मैथड एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट नहीं है ये अगर इक्वल टू 0 आ जाते हैं तो ये रिपीटेड रूट होते हैं रिपीटेड जैसे ही आए 3 और 3 इसको रिपीटेड बारह इसको अभी आने बताना है लेकिन फिर भी जब आप घर जाकर के इसको दूसरे चैनल में आप देखते हैं तो वहां पता लग जाना चाहिए कि थोड़ा हम उनसे बेहतर जानते हैं बस इतना ही है प्लीज डू इट